नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं रिजवी। आज पटना महानगर युवा राजद के पूर्व उपाध्यक्ष सफर अली ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया है और उन्हें पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पटना महानगर अध्यक्ष हैं, इम्तियाज कुरैशी ने उन्हें आज पटना महानगर उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया, जिसमें मौजूद रहे उपाध्यक्ष मोहम्मद बिलाल आलम, महासचिव मोहम्मद नसीमुद्दीन, उपाध्यक्ष रोनी बनार्ड, महासचिव माधुरी कुमारी, महासचिव कुंदन कुमार, कार्यकर्ता पवन कुमार। और सब वाले ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमको आज किसी को पूरे बिहार में या देश भर में किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के सीएम हैं और उनके कार्यशैली को आज जन जन लोग भी पहचान रहे हैं। इतना तक कि सेंट्रल से लेकर के होम मिनिस्टर तक डगमगाई हुई विचारधारा है, उनके अधीन हम लोगों ने जुड़ने का काम किया है और नीतीश जी के हाथों को और इम्तियाज़ भाई के पटना महानगर को हम लोग अपने तरफ से जितना भी हो सकेगा हम लोग और मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी तो सरकार में है, दोनों राजद भी है और जेडीयू भी है, आप में राजद में क्या कमी लगी जो जेडीयू में आ पाए? देखिए, कमी तो कोई ऐसी बात है नहीं, थोड़ा बहुत घर में जब बर्तन रहते हैं तो आपस में ठंडन आते ही हैं कि लस्सी का कौन घर में नहीं होता है। आज मोदी जी का घर छूटा हुआ है, छोड़ करके देश बचाने निकले हुए हैं जब, और नीतीश जी इतना विकास किए बिहार का तो उनके विकास को देखते हुए और इम्तियाज़ भाई के भाईचारे को देखते हुए हमने पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू को ज्वाइन करने का ये हमने फैसला किया है। और राजद में कोई ऐसी हमारी पुरानी है कि जुड़े हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत गिला शिकवा सब जगह होता है, कुछ ऊंच नीच हुआ है उसकी वजह से हमने जदयू ज्वाइन किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों अपना परिवार है और महागठबंधन एक है, एक रहेगा, जिंदाबाद। कौन सा पद आज आपको यहाँ पे मिला? आज हमको पटना जिला का उपाध्यक्ष है कि बनाया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, और इम्तियाज़ भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि इस पद के लिए हमको समझे और उत्तराधिकारी बनाए। हम इनके और पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को जितना हो सकेगा अपने तरह से तन मन से जितना भी हो सकेगा हम आपको जितना मजबूत करने का कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों के बीच राजद परिवार से युवा राजद के उपाध्यक्ष पद पर ये कार्यरत थे और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसी बीच सब्बर अली जी को लगा कि नीतीश जी के कार्यों को देखते हुए हमारे छोटे भाई बराबर सब्बर अली जी राजद को छोड़कर जनता दल यू का दामन थामे हैं और नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों पर विश्वास रखते हुए इन्होंने आज राजद परिवार को छोड़कर जनता दल यू का दामन थामा है। हम लोगों के साथ पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड में आज इनको उपाध्यक्ष के पद पे हम लोगों ने आज नियुक्ति पत्र दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने और जनता दल यू महानगर पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इनको आने से हमको लगता है कि हम लोगों को मजबूती प्रदान मिले। छोड़ के जेडीयू में लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी काम करते हैं, जितना जगह देख लीजिए, पुल, पुलिया, रोड, हर लोग प्रभावित हैं और प्रभावित हो के ही चाहते हैं कि जरा कार्यभार ज़्यादा मिले, काम हम भी ज़्यादा करें और उसके लिए ये हमारे भाई आए हैं और मिलजुल के काम करेंगे। मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी पटना महानगर अध्यक्ष जो है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ये काम बहुत अच्छा तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से उनसे प्रभावित होके भी ये भाई ने उनके साथ काम करने का काम कर रहे हैं, यहाँ ज्वाइन किए, उपाध्यक्ष पद पे आए हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे ये हमें भी उम्मीद है। जितनी इनके बारे में हम सुने हैं
इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। पवन कुमार जतियो। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।